देखिए मैनपुरी में तो मैंने पर्चा भरवाया था, पर्चा वहाँ हमारे प्रत्याशी का खारिज हो गया, रमाकांत कश्यप का। रामपुर में जयवीर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और खतौली में रमेश प्रजापति जी भागीदारी पार्टी जो हमारा सहयोगी दल है तो वहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं। और बाई इलेक्शन सत्ता पक्ष का चुनाव होता है, हमेशा यही हुआ है। कुछ सीटें हैं जहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष में काफ़ी टकराव होता है। गुजरात में क्या मानते हैं, गुजरात में किसी को? अब हम लोग यूपी वाले हैं, गुजरात में बहुत नहीं बता सकते। सर मेनपुरी उपचुनाव में अखिलेश यादव ने जी जान से मेहनत करे डिंपल यादव को जिताने के लिए, उन्होंने शिवपाल यादव से ही बात की है, क्या लगता है कितने प्रतिशत से वो जीतेंगे? शिवपाल यादव जी की गड़िया में तो झंडा लगल बा समाजवादी लोहिया, ये प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का झंडा लगा घूमत हूँ। और उनका बयानों हम आप ही लोगों के चैनल पे सुने कि नेताजी के सम्मान के लिए हम समर्थन में हैं, लेकिन मतलब आगे नहीं रहेंगे कहा। और सवाल देखिए, जब माननीय मुलायम सिंह जी थे 14 का चुनाव 2.5 लाख से जीते, 19 का चुनाव आते आते 90,000 से जीते बसपा के समर्थन से। अब उसी से आंकड़ा लगा लीजिए कि कहाँ पार्टी का ग्राफ कितना डाउन हुआ। अब एक ही चीज़ है कि जो मैंने बयान दिया था कि एसी से निकल के काम करने की ज़रूरत है, आज देखने को मिल रहा है ना।